न्यूमरोलॉजी में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो डेट को मानते हैं रात के 12 बजे से, पर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ये आता है कि नॉर्मली डेट चेंज होती है सनराइज के टाइम से, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक डेट को माना जाता है। हाँ जी, हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, हम रात के 12 बजे से डेट चेंज नहीं मानते न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, हॉरोस्कोप बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में। तो प्रैक्टिकली होता क्या है, जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अर्ली मॉर्निंग का होता है, सूर्योदय से पहले का, उसमें वो पिछली डेट काम कर रही होती है बजाय कि ये डेट के, राइट? तो एक ट्रांजिशन फेज होता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि लाइन खींची हुई है कि 11:59 तक 30 तारीख थी, 12:01 पे 31 तारीख आ गई, ऐसा नहीं होता। ग्रेगोरियन कैलेंडर में और जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है उसमें वैसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया हर चीज़ को। बट प्रैक्टिकली प्रकृति में, आसमान में, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि एक बाग में आप घूम रहे हैं, गुलाब का बगीचा है तो गुलाब की खुशबू आ रही है, और फिर आगे फॉर एग्जांपल चमेली का बगीचा है, चमेली के फूल हैं, तो कोई लाइन नहीं खींची कि यहाँ तक गुलाब की खुशबू थी और यहाँ से चमेली की आ गई। तो वो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होती जाएगी और वो धीरे धीरे इंटेंस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। लगन के केस में जब हॉरोस्कोप में भी लगन बदलता है तो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है जहाँ लगन बदल रहा होता है। तो जो लोगों के हॉरोस्कोप में इस तरह के ट्रांजिशन आते हैं, नॉर्मली प्रॉब्लमेटिक जीवन जीते हुए देखा है, और ऐसे ही कोई प्लैनेट अगर चेंज हो रहा हो, इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्जिन पे आ जाए 30 डिग्री पे, तो ना इधर का है ना उधर का है, या 29 पॉइंट कुछ डिग्री पे आ जाए, 30 डिग्री पे बदलता है ना, तो वो मार्जिन पे है, या 0 डिग्री कुछ मिनट्स पे आ जाए तो मार्जिन पे है, वो कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें। पर लगन जब बदलता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का टाइम होता है कि क्लैरिटी नहीं मिलती कि कौन सा काम कर रहा है और किस तरह से रिजल्ट आएगा। आप नॉर्मली देखेंगे हॉरोस्कोप्स में आपको प्रॉब्लम में मिलेंगे लोग, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में जब हम डेट को कंसिडर करते हैं, स्पेशली इनिशिएटर सस्टेनर को, तो हम सनराइज का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बिफोर सनराइज पिछली डेट थी। लेकिन इसको आँख मीच के फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए रात को 12:01 पे हुआ, 1 बजे हुआ, तो डेफिनेटली पिछली डेट का इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में फ़र्क होता है। सर्दियों में कई बारी सुबह 7:30-8 बजे तक भी पिछली डेट का कुछ इफेक्ट आ रहा होता है, और गर्मियों में कई बारी सूर्योदय से कुछ पहले ही पिछली डेट का इफेक्ट खत्म होकर अगली डेट चालू होती है। और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि इस मोमेंट पे पिछली डेट खत्म हो गई, इस मोमेंट पे अगली डेट शुरू हो गई। कोई ट्रांजिशन फेज होता है जहाँ पे पुराने नंबर्स तो डाइल्यूट हो रहे हैं, इनिशिएटर सस्टेनर, मान लीजिए किसी का है इनिशिएटर है 7 और सस्टेनर है से 5, तो धीरे धीरे हो सकता है ये अगली डेट पे जा रहा हो, पिछली अब इसने प्रेजेंट के हिसाब से लिया हुआ है, तो हो सकता है ये 6 और 4 हो, वो धीरे धीरे 6 से 7 की तरफ बढ़ रहा हो, 4 से 5 की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है। उस केस में आपको अपना चेहरा मोहरा, अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अपनी नेचर, आपका ऑक्यूपेशन, आपका कैसा व्यवहार है, कैसा आपको पसंद आती हैं चीज़ें, उसको एनालाइज करके आपको पकड़ में आएगा कि वेदर यू आर 7 और यू आर 6, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गए, 7 और 6 एंटी नंबर्स हैं, 7 तो रेक्लूज टाइप का है और 6 बिल्कुल भोग विलास वाला है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस फील होगा कि 6 का है कि 7 का है।